हैक्स, स्कैम्स, डेटा लीक्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ये सब मेजर प्रॉब्लम्स है इंटरनेट की दुनिया में, और ये सब कुछ बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है सोशल मीडिया साइट्स पर। अगर आप फेसबुक पे एक्टिव हो तो शायद फेसबुक को आपके बारे में आपसे भी ज़्यादा पता है। आजकल कोई भी उतना सेफ नहीं है सोशल मीडिया साइट्स पर। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुमान और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे कुछ इजी स्टेप्स की मदद से अपने आप को सोशल मीडिया पर सेफ रख पाओगे। सो विद द ट्विस्टिंग टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू इट। सोशल मीडिया पे सेव रहने के लिए सबसे पहले आपका पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अपना नाम, गर्लफ्रेंड का नाम, फ़ोन नंबर जैसे इजी पासवर्ड रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इन्हें आसानी से हैक किया जा सकता है। और एक लंबी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट कर लीजिए जिसमें नंबर बोथ कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स सिम्बल्स होना चाहिए, और ये मोर देन 10 कैरेक्टर्स होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे गेम्स और क्विजेस होते हैं जिन्हें आप भी कभी ना कभी प्ले करके शेयर जरूर करा होगा, जैसे कि व्हाट डज योर नेम मीन्स, फाइंड द फेस दैट लुक्स जस्ट लाइक योर्स, हु विल योर सोलमेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सभी के बारे में बताने के लिए ये आपसे आपके इंफॉर्मेशंस लेते हैं। आप उन साइट्स को अलाउ कर देते हैं बिना पढ़े, और वो आपके इंफॉर्मेशंस का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हें बेच भी सकते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम दिस गेम्स एंड क्विजेस। हम अक्सर हमारा पासवर्ड भूल जाते हैं, इसीलिए हम पासवर्ड को ब्राउजर पे सेव करते हैं या फिर सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए एक पासवर्ड सेट करते हैं। फ्रेंड्स, ये गलती कभी भी मत करना। अगर आपका कोई भी एक अकाउंट हैक होता है तो सभी अकाउंट हैक होने का डर रहता है। एक अकाउंट हैक हो जाने पर सभी अकाउंट इजीली हैक हो जाते हैं, तो प्लीज आप हर अकाउंट के लिए एक अलग पासवर्ड सेट कर लीजिए। हम क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ अपडेट करते रहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। हम जितना ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशंस और डेली एक्टिविटी के बारे में शेयर करेंगे, हम उतना अनसेफ रहेंगे, क्योंकि कोई भी इन इन्फॉर्मेशंस का गलत फ़ायदा उठा सकता है अपने खुद के फायदे के लिए। तो आप ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें और ओवर शेयरिंग से बचें। प्राइवेसी सेटिंग ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, पर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेटिंग है। ये हमें काफ़ी हद तक सेफ रखता है स्ट्रेंज लोगों से। आपको फ़ोन नंबर, ईमेल जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस की प्राइवेसी ओनली मी या फिर फ्रेंड्स पर रखना चाहिए। फेसबुक पे कुछ भी शेयर करने से पहले मेक श्योर कि उसकी प्राइवेसी फ्रेंड्स पर हो, ना कि पब्लिक पर, या फिर आप स्पेसिफिक फ्रेंड्स सिलेक्ट करके उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर इंस्टाग्राम पर आपका अकाउंट कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है, तो आप उसे प्राइवेट अकाउंट पर रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे वहाँ पर फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे आईडीज होते हैं जो कि बोलते हैं वो आपको आईफोन एक्स 20,000 में या फिर सैमसंग गैलेक्सी S9 या फिर S10 10,000 में दिलाएंगे, और आपको पहले 50% या फिर 60% अमाउंट पे करना है, और बाकी 50% प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद। और हम सस्ती मस्ती के चक्कर में पैसे दे भी देते हैं थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पर हमको ना ही पैसा मिलता है ना ही वो प्रोडक्ट। ठीक उसी तरह फेक ऑनलाइन अर्निंग्स और फेक कॉन्टेस्ट और गिवेवेज भी होते हैं, जैसे कि एडिडास के शूज की गिवेवे वाली मैसेज जो कि काफ़ी वायरल हुई थी। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं सोशल मीडिया पर। जब तक आप किसी भी मैसेज या फिर लिंक को ठीक से जांच ना लें, उन पर भरोसा मत करना और ऐसे फ्रॉड से बच के रहना। आपको लगभग सभी साइट्स पर टू स्टेप वेरिफिकेशन और
टू स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इसे आप यूज करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके पासवर्ड हैक हो जाने पर भी अकाउंट को सेफ रख सकता है। सब चाहते हैं कि उनकी फॉलोअर्स और फ्रेंड लिस्ट बड़ी हो, पर उसके चक्कर में किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए तो बिना इन्वेस्टिगेशन के, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स एड्रेस और अदर इन्फॉर्मेशन को देखे बिना रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि इसका फायदा उठाते हैं आइडेंटिटी थीप्स। कभी भी किसी थर्ड पार्टी साइट या फिर ऐप पे फेसबुक या फिर एनी सोशल मीडिया साइट को यूज करके साइन इन मत करना, क्योंकि उस ऐप या फिर साइट को आपके अकाउंट के कुछ इन्फॉर्मेशंस और सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए अलाउ करते हो साइन इन करके। अगर आपको उस साइट पे साइन इन करना है तो मैन्युअली रजिस्टर करके साइन इन करना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज चंद सुमान साइनिंग आउट।